एक गांव में एक बूढ़ी दादी अम्मा रहती थी। कहने के लिए तो सगा उसका कोई न था, लेकिन सारा गांव ही उसे दादी माँ कहकर पुकारा करते थे। सभी लोग उन्हें बहुत मानते थे। बूढ़ी दादी माँ अपने ही घर के पास लगे हुए फल और सब्जियों को बेचकर अपना भरण पोषण करती थी और बाकी समय वह गांव के बच्चों के साथ खेलकर बिताती थी। गांव के बच्चे भी उसे बहुत मानते थे। सभी बच्चे जब भी उन्हें समय मिलता दादी अम्मा कहकर चले आते और दादी माँ के साथ बैठकर बतियाते, उनके साथ बहुत सारा खेलते, उनसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते। इस तरह दादी माँ अपना समय उनके साथ व्यतीत करती थी और अपनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर बच्चों का मनोरंजन करती थी। इसी तरह दादी का जीवन व्यतीत हो रहा था। दादी अम्मा के पास एक पोटली थी जिसमें वे अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ संभाल कर रखती थी। जब भी बच्चे आते वे उन्हें उस पोटली में से निकाल कर अच्छी अच्छी चीजें दिया करती थी। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, दादी अम्मा तुम तो कोई काम नहीं करती लेकिन फिर भी तुम्हारी पोटली में इतनी सारी चीजें कहाँ से आती है? दादी अम्मा कहती है, बच्चों मैं जो भी सब्जी फल बेचती हूँ उसमें से आधा मैं अपने पास रखती हूँ और आधा पैसों का मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आती हूँ और जब भी तुम लोग मेरे पास आते हो मैं तुम्हें उन सब चीजों को बांट देती हूँ। यह सुनकर बच्चों ने कहा, ऐसा क्यों करते हो? तो दादी अम्मा ने उन्हें कहा कि बेटा कभी भी कोई भी चीज दूसरों से बांट कर खाना चाहिए, इससे आपस का प्यार बढ़ता है। यह सुनकर बच्चे बोले, हाँ दादी माँ जरूर, हम भी आगे से यही करेंगे, अपनी चीजें दूसरों के साथ बांट कर आपस का प्यार बढ़ाएंगे। ऐसा सुनकर दादी माँ भी बहुत खुश हुए और बच्चे बोले, दादी माँ आज से आपकी ये पोटली हमारे लिए जादू की पोटली है जिसमें से आप अच्छी अच्छी चीजें निकाल कर हमें देगी और हम आपस में सभी बांट कर वह खाएंगे। ऐसा कहकर सारे बच्चे अपने अपने घर को चले गए और दादी माँ भी अपने घर चले गए। इस तरह यह कहानी है एक छोटी सी जिसमें दादी माँ अपने बच्चों के लिए अपनी पोटली में कुछ न कुछ लेकर आया करती थी और उन्हें बांट कर खुश हो जाया करती थी।